चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव दो फेज में होंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। राजीव कुमार ने कहा, कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है और वो चुनाव जीत जाता है तो सवाल बंद हो जाते हैं। हमारा मकसद निष्पक्ष चुनाव है। हमेशा से ही हमारी निष्पक्षता जग जाहिर रही है। जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टियां एम्पायर को ब्लेम करती हैं। यहां कोई थर्ड एम्पायर तो है नहीं, चुनाव आयोग आज तो बना नहीं है। ये एक विरासत है। हमारी ड्यूटी यह है कि निष्पक्षता जो पहले से बनी है उसे हम आगे बढ़ाएं। राजीव कुमार ने बताया कि गिर फॉरेस्ट के बनेज गांव में रहने वाले भरत दास दर्शन दास के लिए पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। इस इकलौते मतदाता से वोटिंग करवाने के लिए 15 लोगों की टीम जाएगी। उन्होंने कहा, भरत दास अपने गाँव से बाहर आकर वोटिंग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके लिए पोलिंग बूथ और पोलिंग टीम भेजी जाएगी। क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस, तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, लार्ज नंबर ऑफ असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स हैव शोन दैट एट टाइम्स दोज हु आर क्रिटिकल ऑफ द कमीशन हैव गॉट सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।